नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बछवाड़ा बेगूसराय दियारा क्षेत्र में आपराधिक तांडव एवं गोलियों के गर्जन के साथ हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है। हत्याओं की इस दौर में बुधवार के दिन की शुरुआत गोलियों की गर्जना के साथ हुई, जिसमें एक युवक की मौत की खबर है। वहीं एक अन्य युवक घायल हो चुका है। मृतक के परिजनों ने बताया कि चमथा निवासी संजीत राय और राजकुमार राय कृषि कार्य के लिए भूसा लाने एक किसान के खेत पर गए हुए थे, जहां एक आपराधिक गिरोह ने अचानक हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में सर्वप्रथम बाइक ड्राइव कर रहे युवक राजकुमार उर्फ रामू गोली का शिकार हो गया, जिसके कारण बाइक से गिर गया। तभी हमलावरों ने भाग रहे युवक संजीत राय पर गोली चला दी, जिससे मृतक के सीने में गोली लगी। इसके बावजूद वह बहादुरी के साथ भागकर एक खेत में छिपकर परिजनों को घटना की सूचना देने लगा। इसी बीच हमलावरों ने खोजते हुए खेत में पहुंचकर छुपे युवक को पुनः सिर में गोली मारी, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस एवं परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, मगर अब तक अन्य घायल बाइक ड्राइव कर रहे युवक रामू का कोई पता नहीं चल पाया है। जबकि दियारा क्षेत्र में यह चर्चा है कि उपरोक्त घटनाक्रम में एक तरफा गोलीबारी नहीं हुई है, बल्कि दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय निवासी एवं पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय ने बताया कि दियारा क्षेत्र में आपराधिक गिरोहों का आपसी टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी टकराव के कारण गिरोह के सदस्य व आम लोगों की मौत की खबर आम बातचीत बनती जा रही है। आपराधिक तांडव को लेकर मुख्यमंत्री एवं बेगूसराय SP को भी कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है। समाचार मिलने तक पुलिस मृतक के सबको पोस्टमार्टम हेतु भेज करके अन्य घायल की खोज में जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं राकेश यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।